अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिन पर आज पुष्कर विकास समिति, महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास संस्थान सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पवित्र पुष्कर सरोवर के गौ घाट पर दुग्धाभिषेक कर उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही वे देश और प्रदेश की सेवा करते रहे यह भी कामना की। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत, दामोदर मुखिया गोपीचंद सिंह रावत, मंगनी राम अजमेरा, अजय सैनी, पुखराज दगदी, सूरजमल दादी, बंटी गहलोत, विकास मुखिया, राजकुमार पुरोहित, गिरीश पारसर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का 74वां जन्मदिन आज हमने मनाया है धार्मिक रीति रिवाज के साथ। ब्रह्म पुष्कर गौ घाट के ऊपर दूधाभिषेक कर करके भगवान पुष्कर राज महाराज और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर करके और राजस्थान की जनता की सेवा करें और देश की सेवा वो करें और आगे बढ़ते जावें, इसी मनोकामना के साथ आज हम सभी पुष्कर विकास समिति, महात्मा ज्योतिबा फूले, हमारे रावत समाज के भाई हमारे गोपी सिंह जी रावत साहब, पुरोहित समाज के हमारे पुरोहित साहब, हमारे ब्राह्मण समाज के प्रदेश के महासचिव दामोदर जी मुखिया साहब, हमारे सभी हमारे समाज के और सभी साथी गणों ने आज सर्व समाज ने मिल करके आज ये दूधाभिषेक किया है अशोक जी गहलोत की दीर्घ आयु के लिए और जनता की सेवा के लिए।